वापस से स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है पीके ब्लॉग्स मुंगेर वाला। और आज है 1 जनवरी, तो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। एंड आशा करता हूँ कि आपका नया साल मंगलमय हो। और अभी जैसा कि आज पार्टी का दिन है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं भीम बांध, जो कि मुंगेर से अप्रॉक्स 50 किलोमीटर दूर है। तो अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं, आप मेरे पीछे गाड़ी देख रहे होंगे। हम लोग फ्रेंड्स एंड फैमिली जा रहे हैं, हम लोग घर से निकल चुके हैं। एक छोटा सा हॉल्ट था जिसके कारण हम रुके हुए हैं चाय पीने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे। और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि हम आपको आगे जाके ये दिखा सकें कि हम लोग ने वहाँ पे क्या क्या इन्जॉय किया, भीम बांध कैसा है, सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड और वीडियो को अंत तक देखना। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। बाय। अभी ये जो आप पानी देख रहे हैं, ये बेसिकली गर्म पानी का स्रोत है। आप वाष्प निकलते भी आपको समझ में आ रहा होगा, ये बिल्कुल गर्म है। अगर आप चाहे तो इसमें चावल भी बना सकते हैं, इतना गर्म है। इतना गर्म है कि हाथ जल रहा है मेरा। और आपको थोड़ा थोड़ा इसमें भाप भी दिख रहा होगा निकलते हुए। देखिए, ये बहुत ज़्यादा गर्म पानी है। मेरे लिए सेटअप कम्प्लीट हो गया है हमारा और सबको काम पर लगा दिया है। ये हमारे आशीष बाबू, ये हमारे सागर बाबू, ये हमारे ऋषभ बाबू और ऋषभ की मैडम और सागर की मैडम। तो सब अपने अपने काम पे हैं। रेगुलेटर ऑन करना भूल गया मैं। सो अब फाइनली प्रिपरेशन डन है। प्याज भी कटना स्टार्ट हो गया है, मटन बनाने की तैयारी इधर है। और भी लोग आए हुए हैं जो कि आस पड़ोस में पिकनिक मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज 1 जनवरी का दिन है, तो आज का दिन ही ऐसा होता है कि हर कोई आता है अपना अपना सेलिब्रेशन करने के लिए। तो हम लोग भी आए हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज, जो सूखी डंडी है, डाली है, अगर आप उसको भी चाहें तो तोड़ के आप यहाँ चूल्हा बना सकते हैं। हमारे जाने से पहले ऑलरेडी लोगों ने यहाँ किया है,
तो चूल्हा बना के आप उस पर भी खाना बना सकते हैं, बट हम लोगों ने प्रेफर किया कि अपना गैस और चूल्हा लेके जाते हैं, जिससे कि हमें प्रॉफिट होता है, ये कि टाइम कंज्यूम ज़्यादा नहीं होता है, बर्तन काला नहीं होता, इस वजह से हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है। हम लोगों ने गाड़ी बहुत पीछे लगाई हुई है और हम लोग आए हैं बिल्कुल गर्म पानी के स्रोत, यहाँ नीचे जो अभी आपको मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था वो गर्म पानी का स्रोत, वहाँ पे लोग नहा रहे हैं, बिल्कुल इतना गर्म है वो पानी, अगर चाहें तो आप इसमें चावल बना सकते हैं और चावल बन जाएगा, इतना गर्म पानी, उससे भाप बिल्कुल निकल रहा है, हाथ मैंने डाला था तो हाथ मेरा जलने लगा था, इतना गर्म पानी का स्रोत है वो, बिल्कुल आगे से बिल्कुल पहाड़ से है, वहाँ से उतरता हुआ ऐसे नीचे 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 यहाँ तक आता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और फिर हम आपको दिखाएंगे क्या क्या प्रिपरेशन हुआ, क्या क्या बनाया हमने और क्या क्या तैयारियाँ की गई, सो स्टे ट्यून्ड। ऋषभ बाबू बिल्कुल देसी टेक्निक से ब्रेड को टोस्ट बना रहे हैं, है ऋषभ बाबू कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? हैं कुछ 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 प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप मिस्टर ऋषभ? सामान के अभाव में ऐसा हो रहा है, सामान के अभाव में हो रहा है, वैसे इतना दूर है कि लाने में भी तो थोड़ा सा थोड़ी सी परेशानी हो जाती, ठीक है देसी जुगाड़ अपना जिंदाबाद। अच्छा ये बताओ कौन सा मसाला चाहिए मिस्टर शेफ, कौन सा मसाला चाहिए? कुछ ना कर, हो गया आना भाई, अब तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, जाओ 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 ना उधर से घूम के आना। प्रूफ में रहना चाहिए ना, खाली फोटो खिंचवाने के लिए, चला चला चला, अरे रुक जा, फुटावन चला लो, कब डालेंगे पहले फ्राई कर लो, थोड़ी बार फ्राई करना ये हमारे ब्लॉगर साहब, ये रिटेक है क्योंकि मैं नया ब्लॉगर बनने का कोशिश में हूँ, कुछ गलतियाँ होती है तो माफ, कुछ तो माफ़ी होगा, गलती चलती माफ, गलती चलती माफ। ये पुलाव बनते हुए पनीर हमारा रेडी है, मटन हमारा रेडी है, मटन हमारा रेडी है और पनीर भी रेडी है, दिखाई दीजिए पनीर भी दिखाइए, पनीर हम दिखाते हैं, हाँ सागर मिस्टर शाह दिखाएंगे, कितना टेस्टी पनीर है, टेस्टी पनीर है। भाभी हमारी सेल्फी लेते हुए, भाभी जी उधर भी हैं, ये भाभी जी वहाँ अपने अपने शौहर को जबरदस्ती नहलाते हुए, उनको भी दिखाते हैं, ये देखिए, ये आप देख पाएंगे एक हमारे नहलाते हुए। आपको कम खाना क्या बोलते हैं, मैं पता नहीं क्या है, से हाय आयो तो खा के जाना। तो फाइनली हमारा जो आज का खाना था वो रेडी है, और ऋषभ बाबू क्या कैसा फील हो रहा है 2023 खाने और पनीर का पुलाव बनाया है, अच्छा लगा अच्छा हमने बोलते हैं कि मैंने जो मटन और पनीर का पुलाव बनाया तो? सागर बाबू कुछ कहना चाहेंगे, बेस्ट विशेष देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? चलिए ठीक है, अब हम टेस्ट करते हैं कि कैसा खाना बनाया आज का, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि टेस्ट कैसा था। सो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी भी एंड नहीं हुआ है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है, सो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। सो फाइनली हमारा आज का सेलिब्रेशन ख़त्म हो चुका है और हम लोग लास्ट पड़ाव पर हैं, आज 2023 का फर्स्ट डे है, तो हम लोगों ने ये भी डिसाइड किया कि चलो आज केक भी कटिंग करते हैं, और ये हमारे मेट्स हैं, ऑलरेडी आपको मिलवा चुका हूँ सबसे,
और सो सागर आप अपना रिव्यू बताइए, आज का दिन आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा। खाना कैसा था? बहुत टेस्टी, बहुत ज़्यादा भी था। ओहो भाभी आप बताइए, बहुत अच्छा रहा? फिर नेक्स्ट टाइम जल्दी मिलेंगे आप? बहुत अच्छा रहा। सबसे बेस्ट पार्ट क्या रहा आज का? सभी के साथ मिलकर एंजॉय करना। वेरी गुड। उधर घूम जाए ऋषभ, बताइए आज का रिव्यू। दे दीना बहुत काफी। ये दोनों एक हैं, दो नहीं? हाँ ये दोनों एक हैं और ये दोनों एक हैं और हम दोनों एक हैं। हम दोनों यार यार पकड़ लेते हैं। हम दोनों एक हैं, साथ में केक काटेंगे ठीक है? ये इनका है, ये इनका है, ये इनकी है। हाँ ये इनका ही है सर। ठीक है आप केक कटिंग करते हैं, चलो काटो। ये भी है क्या? कंडी का नहीं भाई। आइए दोनों भाभियाँ, कितना रोटी चाहिए? आइए। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। बार बार न्यू ईयर छाए, और दो बहनों का प्यार बहुत अपार, हम देवरों की कोई औकात नहीं। क्या टूटे दिल का आलम हम क्या जाने, कह रहे नहीं हमें यहाँ से देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषभ तुम भी खिलाओ। थैंक यू। ऋषभ तुम भी खिलाओ। और ऑलरेडी इतना ज्यादा रश है ना, इसलिए हम लोग थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा रश है, गाड़ियां निकल नहीं पा रही हैं, क्योंकि ऑलरेडी 5:15 हो चुका है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा गाड़ी निकल जाए, ट्रैफिक क्लियर हो जाए, फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और नेटवर्क नहीं है यहाँ पे, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। बाकी इधर मेला भी लगा हुआ है, इधर झूला वगैरह सब कुछ लगा हुआ है इधर सामने में। और हम लोगों ने गाड़ी यहाँ पार्क किया था और हम लोग आगे गए थे जहाँ पे कि गर्म पानी का कुंड है, जहाँ से गर्म पानी निकलता है, उधर हम गए थे। और इधर भी पूरा ओपन एरिया है, यहाँ पे भी लोग पिकनिक मनाए हैं बहुत लोग। सबसे बुरी आदत क्या लगती है ना, कि अगर आप कहीं आते हैं, पहाड़ों पे आते हैं या जंगल में आते हैं ना, तो ये जो कचरा आप देख रहे हैं ना, ये सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होता है। ये जो थर्मोकोल का प्लेट्स है, ये डिकम्पोज नहीं होता है। तो ये आपकी थिंकिंग होनी चाहिए कि अगर आप आ रहे हैं, ह्यूमन वेस्ट है आपके पास कोई भी, अगर आप कोई भी वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको आप या तो कैरी कर लें या ऐसे जगह पे डाल दें जिससे कारण कि यहाँ जो म्यूनसिपैलिटी वाले हैं वो उठा के ले जाएं और इन सभी चीज़ों को क्लियर करें। तो ये मेरे से अपील है कि अब जब मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा कंसर्स हो जाएं, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। या तो उस चीज़ को यूज़ मत कीजिए जो डिकम्पोज नहीं होता है, या तो अगर यूज़ करते हैं तो उसको ऐसे जगह पर रखिए जहाँ की वो वापस से रिसाइकिल होने के लिए चला जाए, ठीक है? और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।